राखी सावंत की माँ के लिए हर कोई दुआएं कर रहा था, लेकिन जब उनकी तस्वीर देखी गई तो हर कोई सन्न रह गया। राखी सावंत जैसी अपनी माँ को छोड़कर बिग बॉस के घर में गई थी, और जब वो बिग बॉस के घर से लौटी तो उनकी माँ वैसी नहीं मिली। वो अपनी माँ का चेहरा देखकर लिपट लिपट कर खूब रोई। राखी की माँ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस बताई जा रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी फोटो साफ बयां कर रही है कि राखी सावंत इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बिग बॉस 14 शो खत्म हो चुका है, जहां शो के सभी कंटेस्टेंट घर से बाहर निकलकर फ्रेंड फैमिली के साथ पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, वेकेशन पर जा रहे हैं। वहीं राखी सावंत अपनी मम्मी की बीमारी को लेकर काफी परेशान है। वो बिग बॉस के घर से निकलते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और ना ही वो किसी से बात कर पाई, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में इस वक्त मम्मी की टेंशन सता रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिग बॉस 14 के फिनाले में जब राखी के भाई राकेश आए थे, तो उन्होंने मां के आईसीयू में एडमिट वाली बात कही थी, और उन्होंने बताया था कि राखी सावंत की मां को कैंसर है। जब राखी शो के अंदर थी तब उनकी मां जया ने उनसे वीडियो कॉल के जरिए हॉस्पिटल से ही बात की थी। अब क्योंकि राखी घर से बाहर है और उन्होंने अपनी माँ की एक फोटो शेयर की है जो काफी इमोशनल कर देने वाली है। राखी की माँ जया की एक कीमोथेरेपी के बाद की फोटो है, जिसे देखकर लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। राखी सावंत ने इंस्टाग्राम पर अपनी माँ की फोटो शेयर करते हुए फैंस के लिए खास मैसेज भी लिखा। उन्होंने लिखा, कृपया माँ के लिए प्रार्थना करें, वो कैंसर के इलाज से गुजर रही हैं। राखी की इस फोटो पर कनिका कपूर, दावोलीना भट्टाचार्य जी, अदा खान, रश्मि देसाई, काम्या पंजाबी जैसे कई स्टार्स ने कॉमेंट करते हुए राखी की माँ के लिए प्रार्थनाएं की। इससे पहले राखी ने कहा था कि राखी के मिस्ट्री पति रितेश उनकी माँ के इलाज का खर्च उठा रहे हैं। दावोलीना ने राखी के पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए लिखा, आंटी ठीक हो जाएंगी राखी। वहीं रश्मि देसाई ने लिखा, राखी आप भगवान पर भरोसा करें। काम्या पंजाबी ने लिखा, राखी तुम सबसे ऊपर और अनोखी हो, गणपति पापा सब ठीक करेंगे, तुमने जिंदगी को जीता है। आपको बता दें, राखी ने अपनी मां के इलाज के लिए ही बिग बॉस 14 से विदा ली थी। उन्होंने फौरन 14 लाख का बैग लिया और वो मां के पास पहुंच गई। तो राखी की मां को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। इस बार का बिग बॉस 14 सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत की वजह से हिट गया। ये बात खुद सलमान ने भी कही। सलमान ने बताया कि जब से राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में एंट्री की, तब से शो का लेवल बढ़ता ही चला गया। राखी की वजह से शो जमीन से आसमान तक पहुंच गया, क्योंकि राखी ने अपनी इमेज की परवाह ना करते हुए लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। वहीं सलमान ने भी उनके एंटरटेनमेंट की खूब तारीफ की, उनका सम्मान किया। लास्ट के दिनों में जब राखी से उनकी ख्वाहिश पूछी गई, तो लोगों को लगा कि शायद राखी अपनी माँ को देखने के लिए इच्छा बताएंगी, लेकिन उन्होंने पिज्जा खाने और बोट पाने की इच्छा बताई थी। ऐसा राखी ने क्यों किया वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि राखी की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके बचने की भी उम्मीद कम बताई जा रही थी। हालांकि राखी की माँ अभी भी हॉस्पिटल में है और सर्जरी करा रही है। वो राखी से मिलने के लिए बेताब हो रही थी, लेकिन राखी ने एक बार भी जल्दी घर जाने की इच्छा नहीं जताई। राहुल वैद्या ने भी उन्हें कहा कि मुझे लगा शायद तू अपनी माँ से मिलेगी, लेकिन तूने तो पिज्जा खाने की इच्छा बताई। शायद आप सब राखी के इस बर्ताव से नाराज होंगे, लेकिन राखी के इस बर्ताव के पीछे भी उनकी एक बड़ी मजबूरी रही है, जिसकी वजह से राखी को माँ को छोड़कर बिग बॉस चुनना पड़ा। दरअसल राखी ने पैसों के लिए बिग बॉस को आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा, उन्होंने पैसों के लिए माँ को छोड़ दिया, क्योंकि वो पैसे भी उन्हीं माँ के इलाज के लिए कमा रही थी। जी हाँ, राखी ने 14 लाख का पैसों का बैग उठाया तो उन्होंने सलमान को बताया कि इन पैसों से मैं अपनी माँ के इलाज का खर्च चुकाऊंगी। राखी अपनी माँ के इलाज के लिए अब तक सभी के टॉर्चर सह रही थी, क्योंकि उन्हें वो पैसे बहुत जरूरी चाहिए थे। वैसे तो राखी छोटे मोटे काम करके लाखों रुपए कमा सकती हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें मां के इलाज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। शायद इसलिए सलमान ने उनका सपोर्ट किया होगा। यकीनन राखी घर पहुंचकर अपनी मां को लिपट कर बहुत रोई होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मां से दूर रही हैं। उनकी इस मेहनत की कमाई में दूर से ही लगन और पसीना दिख रहा था। अब देखना होगा राखी अपने इन पैसों से वाकई में माँ का इलाज कराएंगी।
आपको बता दें, फिल्म अग्नि चक्र से अपने करियर की शुरुआत करने वाली राखी ने बॉलीवुड के कई हिट आइटम सॉन्ग दिए हैं। इतना ही नहीं, राखी अपनी बातों से मीडिया में अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने खराब कपड़ों की वजह से भी गॉसिप में रही हैं। राखी सावंत रियलिटी शो की दुनिया में राखी का स्वयंवर नाम का रियलिटी शो भी लॉन्च कर चुकी हैं। 2009 में लॉन्च हुए शो में राखी ने एक शख्स से शादी भी रचाई थी। कुछ महीने बाद अलग होने का भी ऐलान कर दिया था। राखी सावंत के पिता आनंद सावंत मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। वो मुंबई में अपनी मां जया के साथ रहती हैं। राखी सावंत अपने बोल्ड बयानों में कभी अपने ब्रेस्ट डोनेट करने की बात करती हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर बोल्ड तस्वीरें शेयर करके अपने फैंस को खूबसूरती का दीदार कराती हैं। राखी की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास मुंबई में 2 फ्लैट और 1 बंगला भी है, जिसकी करीब कीमत 11 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, राखी करीब 30 करोड़ की संपत्ति की मालकिन भी है और ये संपत्ति उन्होंने खुद बनाई है। राखी के पास 21 लाख रुपए की उनकी खुद की कार भी है। राखी की कमाई ज्यादातर स्टेज परफॉर्मेंस से आती है। इस वक्त राखी सावंत बिग बॉस 14 में एंटरटेन कर सुर्खियों में बनी है, तो दूसरी तरफ उनकी माँ हॉस्पिटल में खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं। वीडियो कॉल के जरिए तो राखी तक खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी माँ सीरियस कंडीशन में है। इतना ही नहीं, राखी ने खुद अपनी आंखों से माँ को हॉस्पिटल में देखा तो वो घबरा गईं, और अब उनके भाई ने बड़ी खबर सुनाई तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राखी के भाई ने माँ की खतरनाक बीमारी का खुलासा कर दिया। राखी की माँ को ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में काफी पैसा तो लग जाता है, लेकिन इलाज के बाद भी पेशेंट की जान की जिम्मेदारी का कुछ कहा नहीं जा सकता। राखी के भाई राकेश रावंत ने खुलासा किया है कि उनकी माँ को पेट का कैंसर है, जल्दी ही उनकी सर्जरी होने वाली है और उसमें भरपूर पैसा लगेगा। राखी की माँ बता चुकी हैं कि ये खर्च उनके दामाद उठा रहे हैं। फैमिली वीक के दौरान राखी कहती हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कोई उनके परिवार से मिलने आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। राखी को पता था कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन माँ इस खतरनाक बीमारी की शिकार हो जाएंगी उन्होंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे तैसे बिग बॉस ने उन्हें सरप्राइज देते हुए वीडियो कॉल के जरिए उनकी माँ से मुलाकात करवाई। अब पता नहीं कि बिग बॉस ने राखी की माँ के कैंसर वाली खबर राखी को दी है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो राखी सब छोड़कर शो से बेघर हो जाएंगी। अभी तक उन्हें लग रहा था कि माँ की हल्की फुल्की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो अपना शो कंप्लीट करके ही बाहर जाएंगी, लेकिन लोगों को खतरा सताने लगा है। ऐसे में बिग बॉस भी दुविधा में फंस गए हैं कि राखी को ये खबर देना चाहिए कि नहीं। अगर बिग बॉस राखी को खबर देंगे तो राखी घबरा जाएंगी और सब कुछ छोड़कर वो भाग जाएंगी, और अगर बिग बॉस ने राखी को उनकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं बताया तो भगवान ना करे कि राखी की माँ के साथ कोई अनहोनी हो जाए और फिर पूरे शो को इसका पछतावा हो और बड़ा खामियाजा भरना हो।